नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड, जिसे हमें सजेस्ट किया है स्मार्टी ओवी ने। तो विदाउट डिले टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्या लगता है नंबर वन कैपिटल कौन होगा? नंबर वन देखने पर पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चल रहा। मेरे हिसाब से लंदन होगा। लंदन? नहीं, लेकिन लंदन काफी ब्यूटीफुल सिटी है। चल देखते हैं। टॉप 10 मॉस्को नंबर 10 पे है। मॉस्को पता है कहाँ का कैपिटल है? कहाँ का? मॉस्को मैक्सिको का कैपिटल है। किधर का है कैपिटल? मेरे को नहीं पता। रशिया का। मुझे लगा मैचिंग है। रशिया का है। तो मतलब मॉस्को मैचिंग हुआ इसलिए वहाँ गई है। तो इस हिसाब से इंडिया का न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यू दिल्ली न्यूयॉर्क मैचिंग है। न्यू सारा कैपिटल मैं पूछूंगा। बहुत सुंदर कैप्टन आइसक्रीम। वाह यू नो दैट नोटबुक व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज द 3 इयर्स इन थर्ड ग्रेड या दिस। ओटावा बताओ ये कैपिटल कहाँ का है? ओटावा मेरे को याद था, ऑप्शन दो मैं बता दूँ। ऑप्शन नहीं, ये केबीसी थोड़ी ना है। ये कैपिटल कहाँ का है? ओटावा। ओटावा नंबर 9 है। ओटावा भूटान का है। भूटान का ओटावा है। तो थिम्पू कहाँ का है? अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ओटावा कनाडा का है। याद था बट सो गाइस टॉप 10 पर है मॉस्को, नंबर 9 पर है ओटावा। अब देखते हैं नंबर 8 पर कौन है। मैक्सिको। सेवर ऑन द फॉल्स। वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल ना। बुडापेस्ट बताओ कहाँ का कैपिटल? ये किधर की रफ्तार है? बिल्कुल ये तो फेमस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सुंदर है ना, फेमस नहीं है। तो मैचिंग लगा मेरे को मैक्सिको का मॉस्को, मेरे को मैचिंग लगा। बुडापेस्ट का बताओ। पता हंगरी का। हंगरी भूखे लोग। बहुत छोटा देश यूरोप में। It's also beautiful, na? It's all about European culture. Yeah, look at this architect. Wow. It seems like Taj Mahal Hotel, Mumbai. Taj Hotel, yeah. Not Taj Mahal. हाँ वही Taj Hotel Mumbai. मैच कर रहे हैं ना दोनों। ये ऑसम है। वाह टोक्यो। टोक्यो तो पता है ना कहाँ का? जापान का।
लोग कहते हैं कि ये सिटी है ना, ये फ्यूचर सिटी है। जो जापानी जो इस्तेमाल करता है वो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं है। रोबोटिक सिटी, वाह विश्वास नहीं खुद पर। शायद यही पर जीजस का जन्म होता है, मैं भी श्योर हूँ। उतना बिजली नहीं, बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ पर कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यूएसए। एम ब्रूस ली का सीन शुरू हुआ था द ड्रैगन वीडियो पास है। उसी म्यूजिक है फ्रांस पेरिस, पता ही नहीं फ्रांस क्या है। This is called Eiffel Tower. यहाँ पे भी Eiffel Tower है और वहाँ पे भी है। कहाँ पे? लंदन में है। लंदन में Eiffel Tower नहीं है? है। ये फ्रांस के कैपिटल है पेरिस, ठीक है। अरे नहीं, लंदन में Eiffel Tower नहीं है। लंदन में एक ही आईफेल टावर है पूरे दुनिया में, जिसका नाम है पेरिस का ये आईफेल टावर। फ्रांस का ये पेरिस में है, दैट्स ऑल। तो एक मिनट, बट ऐसा कुछ मैंने देखा था कि फ्रांस के लोगों ने आईफेल टावर को किसी को गिफ्ट किया था। आईफेल टावर को फिर किसको किया था? लॉर्ड ऑफ क्या, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मुझे लगा कि इसको मतलब फ्रांस कंफ्यूजन हो गया। फ्रांस के लोगों ने वैसे भी लंदन को नहीं दिया था, अमेरिका को दिया था, तभी न्यूयॉर्क में खड़ा रहता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, न्यूयॉर्क में, हाँ, यूएस से लेकर खड़ा रहता है। सफेद सी है ना, ऊपर से शूट किया गया है, क्या टेंपल टेबल है नहीं? फ्रांस पेरिस में सिर्फ एक ही जगह है जो बहुत अच्छा है। लाइक सब्सक्राइब अभी नहीं, नहीं बोल रहे, किसमें दिखा रहा है, वॉशिंग चैनल तो पता है ना कहाँ कहाँ का। वाशिंगटन मेरे को पता है, ठीक है, वाशिंगटन वहां का है। वाशिंगटन अमेरिका का है, सॉरी अमेरिका तो न्यूयॉर्क है, लंदन तो नहीं है, कहाँ का है वह? इसको कट कर देना। कट कुछ नहीं करूंगा मैं। ये जो है वाशिंगटन, ये सही थी, अमेरिका का है। तो फिर न्यूयॉर्क कहाँ का है? न्यूयॉर्क वहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई इंडिया का। शिट, फाइनेंशियल कैपिटल, राइट राइट राइट, जैसे हमारा मुंबई है। हाँ, वाशिंगटन सही तो था मेरा, अमेरिका क्या श्योर थी? या मैं 100% न्यूयॉर्क है अमेरिका का। बोला कट कर देना, कुछ कट नहीं होगा। स्टार्ट करो प्लीज। दीदी कुछ पता नहीं है। ओ भाई, आई एम स्मार्टर देन यू। Wow, it's also beautiful, na? Nature. Wow, kya view hai? Wow. America mein ek aisi jagah bahut sari hai. Mujhe lagta tha America mein sirf building hai kuch. Super. Yeah, the White House. Berlin, kahan capital? नंबर थ्री पर है बर्लिन, दुनिया का टॉप थ्री ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी। बताओ बर्लिन कहाँ का कैपिटल? ये फेमस नहीं, मेरे को नहीं याद है। बर्लिन बहुत फेमस है। बर्लिन बहुत फेमस है।
मुझे नहीं अच्छा, पता इसलिए फेमस नहीं है। हिंट दे रहे हैं ठीक है, दो दो ऑप्शन हिंट दे रहे हैं, हिंट हिंट देखो ये क्या है, हिटलर हिट ओ जर्मनी ओ शिट जर्मनी तो काफी फेमस है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी लिखे थे ना, थॉमस अल्वा एडिशन नहीं नहीं वो यूएसए के थे। नंबर टू पे कौन है, बच्चे क्या है इस्लामाबाद, ओ माय क्या बात है पाकिस्तान, ये क्या है यार, मिस नंबर टू पर वर्ल्ड की टॉप टू जो सबसे ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की, पाकिस्तान वाह यार मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था आज से पहले, मुझे लगता था कि नंबर टू पर मींस कोई और आएगी जैसे कोई means, किसी किसी यूरोपियन कंट्री की, दैट मींस बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में छुपी हुई है जो लोगों को पता भी नहीं है, जो लोगों को पता भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी हमने इसके बारे में तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो पाकिस्तान सिर्फ एक है एक नाम याद आता है, मतलब यहाँ आता था पहले, अब काफी चीज बदल रहा है, काफी चीज मैं जान रहा हूँ, जैसे रात फतेह लिखा दैट्स ऑल और आतिफ असलम दैट्स ऑल, हाँ मुझे भी खास पता नहीं था कुछ बट अब बहुत कुछ पता चल रहा है, इस्लामाबाद मीन्स कितनी ब्यूटीफुल सिटी है कि मीन्स पेरिस को इटली रोम बर्लिन वाशिंगटन सबको पीछे पूरे दुनिया की मीन्स पूरी दुनिया की पीछे छोड़ दो, अब जल्दी से स्टार्ट करो मैं देखना चाहती हूँ कितना ब्यूटीफुल है, वाव ये मस्जिद है ना, मस्जिद है ये बहुत ये पहाड़ है क्या, व्हाइट माउंटेन के अंदर ब्लू माउंटेन, ये मस्जिद कर रहा है क्या है ये, वाह ऑसम था ये तो काफी, ये ब्लू माउंटेन कितना प्यारा था, ब्लू माउंटेन सही था लेकिन ये क्या है, ये क्या, ये ब्लू माउंटेन है, हाँ ये ब्लू माउंटेन है, वो मस्जिद है ना, वो मस्जिद था आई थिंक, वाह ये देखो ये क्या है यार, ये कितनी सी व्यू है यहाँ की, बहुत ही अच्छी व्यू है, वाह ये जन्नत दिख रहा है, सुपर है यार, इंडस्ट्रियल भी है यहाँ पे, कितनी अच्छी सी चीज है यार इस्लामाबाद, मीन्स ऐसे थोड़ी नंबर टू पर है सबसे ब्यूटीफुल कैपिटल, ऐसे तो नंबर टू पे आ ही नहीं सकता, ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है तभी तो नंबर टू पे है, ये दिख रही हल्का हल्का केरला टाइप की, हल्का हल्का कश्मीर और काफी इंडस्ट्रियलाइजिंग भी है, मीन्स काफी अच्छी सी बिल्डिंग भी वहाँ पर है, Awesome. Awesome, यार ब्लू माउंटेन कितनी अच्छी व्यू थी, ब्लू माउंटेन तो बहुत ही प्यारा है, वो ब्लू एकदम ब्लू है, वो नहीं नीचे ब्लू है और ऊपर जो है वो व्हाइट है, व्हाइट है, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन, अच्छा व्हाइट जो है क्लाउड है कि माउंटेन है, वो आई थिंक क्लाउड था, हाँ तो ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन है विद व्हाइट क्लाउड, या वो बहुत ज्यादा ही ऊंचा होगा इसकी वजह से, मतलब बादलों से थोड़ा बहुत ना टच होता होगा, बट काफी प्यारा था, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये नंबर टू पे है इस्लामाबाद, टू पर वाओ दैट्स रियली ऑसम, नंबर वन पर लंदन है, मींस लंदन को छोड़कर पूरी दुनिया में नंबर टू पे सबसे ब्यूटीफुल कैपिटल पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद वाओ ऑसम, ये हम पता भी नहीं था बिल्कुल नहीं, इतना मतलब जर्मनी सबको मींस पूरी पूरी यूरोप पूरी एशिया को आप मतलब कह सकते हो पीछे पूरा छोड़ दिया, हाँ इस्लामाबाद ने पीछे छोड़ दिया, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल पूरी दुनिया को ना, पूरी दुनिया को, या ऑफ कोर्स वर्ल्ड की बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ की वर्ल्ड की बातें हो रही है, तो इस वजह से मींस कोई भी कैपिटल इतनी सुंदर नहीं है, नंबर टू पर वो नंबर टू पे, मतलब लंदन को छोड़कर बाकी सभी चीजों को सभी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया इस्लामाबाद ने, वाह यार
लोग तो काफी घूमने जाते होंगे जब इतना सुंदर है तो पाकिस्तान में काफी लोग जाते होंगे वहाँ पे, टूरिज्म काफी होगा वहाँ पे। तो गाइस आप हमें बताएं कि क्या फॉरेनर लोग भी इस्लामाबाद घूमने आते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉप टू ब्यूटीफुल सिटी है, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज में से एक है। तो क्या ये क्या सच में फॉरेनर्स लोग भी आते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी ही जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स वहाँ विजिट करते हैं? ये तो हमें कमेंट करके बताएं, या आप लोग कमेंट करें हमें बताएं, बिकॉज हमें तो बहुत ही ज्यादा मतलब शॉक लग रहा है कि वाह, नंबर टू पे लंदन को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया इस्लामाबाद ने ब्यूटीफुल के मामले में, ये बहुत ही अच्छी बात है। ग्रेट, हाँ लंदन को देखते हैं, लंदन देखा जाए। टावर ब्रिज बहुत फेमस है लंदन। न्यू मुंबई को ओल्ड मुंबई जोड़ता है ना, एक न्यू जो ब्रिज बनी अच्छी वाली कोई, वैसे ये भी है ओल्ड लंदन टू न्यू लंदन जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ये देखो बकिंघम पैलेस, हमें बहुत ही एंजॉय किया इस वीडियो को, सीरियसली मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी, सबसे अच्छी ये लगी कि मींस पाकिस्तान की इस्लामाबाद नंबर टू पर है, क्योंकि बाकी जगह की जगह की तो हम जानते हैं कि बहुत सारी कंट्री काफी डेवलप्ड है तो उसकी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के नंबर टू पर है, चाइना की एक भी नहीं है, इंडिया के भी नहीं है, और यूएसए की नंबर फोर पर है। बट इंडिया में कैपिटल को छोड़कर और बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है जो काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ बात हो रही है टॉप 10 ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, सो यहाँ इस्लामाबाद की तारीफ करनी होगी, काफी ब्यूटीफुल, बहुत ही तारीफ के लायक है, नंबर टू पे जगह इसने बनाया है, दैट मींस तारीफ के लायक ऑफ कोर्स है, बहुत ही अच्छी बात है कि नंबर टू पे ये आपकी इस्लामाबाद है, बिकॉज ब्यूटीफुल सच में है वो, हमने इतना थोड़ा बहुत विजिट किया, मतलब इसमें इस वीडियो के थ्रू विजिट किया हमने, बहुत ही हमें अच्छा लगा, और बाकी लोग तो वहाँ जितने भी पाकिस्तान के होंगे उन्हें तो बहुत प्राउड फील होता होगा कि इस्लामाबाद उनकी नंबर टू पे है, इतनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुद में एक गर्व की बात है। तो थैंक्स स्मार्ट ओवी फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो, बिकॉज़ हमें ये नॉलेज मिली कि पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वो नंबर वर्ल्ड की नंबर टू है, सबसे ब्यूटीफुल सिटी, मतलब हमें पता भी नहीं था, लंदन को छोड़कर सभी को पीछे छोड़ दिया, पूरी दुनिया को ही छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच स्मार्टी ओवी, एंड इस तरह से आप हमें सजेस्ट करते रहे इतने प्यारे प्यारे वीडियो, ये बहुत ही प्यारी वीडियो थी स्मार्टी ओवी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और हमारा भी, और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए जितना हो सके आप फ्रेंड्स को, शेयर कीजिए ताकि पता चले कि वर्ल्ड की नंबर टू ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी और है इस्लामाबाद, जो कि हमें पता है तो ज्यादातर इंडियंस और ज्यादातर दुनिया वालों को भी पता नहीं होगा, तो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि दुनिया वालों को पता चले। नमस्कार।